नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं वी टेक इंडिया चैनल को। तो दोस्तों, बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि उसमें पूछा जा रहा था कि इंजन में जब तेल पहुंचता है तो उसमें आग कैसे लग जाती है। तो दोस्तों, हम आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, हमने कुछ ड्राइंग बना कर रखा है जिससे आप बेहतर से समझ सकें। तो दोस्तों, चलते हैं ड्राइंग की तरफ। और यहाँ पर तीन चित्र है और पहले चित्र में दोस्तों वाल खुला हुआ है और वाल देखिए ओपन है और पिस्टन नीचे की तरफ है देखिए। और दोस्तों, जब वाल खुला होता है तो इसमें पिस्टन नीचे जाता है तो इसमें पूरा गैस, इसमें हवा पूरा भर जाता है। और दोस्तों, जब पिस्टन इसमें देखिए दूसरे चित्र में पिस्टन ऊपर जब आता है तो उसी हवा को पूरा ऊपर दाबता है। और दोस्तों, इसमें दाब बढ़ जाता है हवा का पूरा और वाल इस समय बंद रहता है। तो दोस्तों, इसमें हवा का दाब बढ़ जाता है, पूरा दाब रहता है हवा का अधिक। और उसमें उसी समय हम नोजल से इसमें तेल पहुंचाते हैं, ज़बरदस्ती नोजल से तेल पहुंचाते हैं दोस्तों। तो जो हवा का घर्षण होता है और तेल का घर्षण होता है, हवा और तेल में घर्षण होता है तो इससे आग लग जाती है। देखिए तीसरे चित्र में आग लग गया है। तो दोस्तों, उस समय पिस्टन नीचे की तरफ जब आग लगता है तो गैस उत्पन्न होता है तो पिस्टन नीचे की तरफ ठेलता है। और दोस्तों, इस प्रक्रिया को दोहराने इस प्रक्रिया करने में दोस्तों एक टर्न हमारा जो क्रैंक होता है वह घूम जाता है और इसी तरह प्रक्रिया दोहराते रहता है और हमारे इंजन चलने लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके। तो दोस्तों, चलते हैं, नमस्कार।